वोकल सप्त असत्य कलेश कलम द्वापर युग की कहानी ये हस्तिनपुर में बीता वो जो सामने सबके लानी है सौ पुत्र गांधारी के और कुंती को छे का वरदान कुछ पांडव कहलाए और बाकी को मिला कौरव का नाम दुर्योधन को योजना आई भोजन में फिर विष मिलाया भीम कुमार ने की वंशा थी बाल विवाह का ना हो पाया आयोजित हुई ऐसी सभा सब वीर हुए थे जमा वहाँ भीम ने जो फिर गदा घुमाया सम्मोहित था सारा समाज सम्मान को लेकर कौशल का देने प्रमाण कर्ण ने अर्जुन को ललकारा सूत पुत्र को मिली पहचान ऐसा फिर षड्यंत्र रचा जो पांडु वंश का अंत करे बचा लिया पर विदुर ने उनको पांडव वन प्रस्थान करे फिर ऐसा संदेशा आया न्योता जो स्वयंवर का लाया होड़ मची थी वीरों की पर अर्जुन का परचम लहराया भ्राता और पत्नी सहित घर को अब वो लौट चले दिन देखे माता ने कहा वो शब्द भी दिल को भेद चले शकुनी का प्रपंच सुनो पासों को फेंका जाल बुना धर्मराज कुछ समझ न पाया राजपाट संग मान गवाया दुशासन का दुस्साहस देखो केश पकड़ द्रौपदी को लाया पुरखों को कलंकित करना देख सका गोविंद की माया भीम ने ली फिर प्रतिज्ञा दुर्योधन जंगा तोड़ूंगा लहू के फिर दुशासन के मैं घर से अलग निचोड़ूंगा चले और तेरवा था अज्ञातवास ध्वनि सुनी गांडीव की और युद्ध का हुआ आभास कृष्ण की सेना कौरव की खुद कृष्ण चले अर्जुन के संग फिर युद्ध छिड़ा और जहां भी देखा चारों ओर लहू गरम अर्जुन के मन में शंका थी कैसे उन पे प्रतिघात करे गीता का उसको सार सिखाया धर्म का वो संहार करे युद्ध का आया पहला दिन तीरों की वर्षा होने लगी भीष्म जो आए रथ पे तो पांडु सेना भी ध्वस्त लगी दूजा दिन जब युद्ध का आया अर्जुन ने कौशल दिखलाया शस्त्रों की तकरार हुई और भीष्म न आगे बढ़ पाया वरदान मिला था मृत्यु भी इच्छा से हो पर शस्त्र उठे ना सामने जब से खंडी हो खुद ही अपना राज बताया मौत को फिर खुद गले लगाया अर्जुन तीरों से शैया बनी प्यास लगी पितामह को तो वो भी अर्जुन से ही बुझी जिसको कोई तोड़ सके ना ऐसे व्यू की रचना कर दी तोड़ दिया एक बालक ने उस अभिमन्यु की हत्या कर दी कैसा इनका हक है और कैसा इनका है ये धर्म एक तरफ जलती है चिता और दूजी ओर छलनी है बदन युद्ध हुआ वो ऐसा भीषण तीर चला और दूजा आया करण जो रथ से उतरा तो एक तीर हृदय को चीर आया हुआ सर्वनाश था चारों ओर अब विनाश था चारों ओर हर सर से अलग अब गिरने लगे अधर्मी अब सब मरने लगे धृतराष्ट्र सौ पुत्रों की संख्या भी अब कम होने लगे शकुनी का भी अंत हुआ और था अवध दुशासन का उसके सीने को चीर दिया अब लहू के संग शवासन था दुविधा में दुर्योधन था जीत का कोई आसार नहीं युद्ध में कैसे विजय मिले जीवन का बस आधार यही वज्र का उसको कवच मिला पर जंघा में कमजोरी थी मातृ प्रेम और शिव आवाहन से शक्ति बटोरी थी एक शिष्य बलराम का था और दूजे संग थी कृष्ण की माया फिर कंपन महसूस हुई जो इन दोनों की गदा से आया तो योद्धा का पल टकराया भीम लगा था कुछ असहाया देखा जब मुरली ने तो इशारों में था कुछ समझाया समझ के उस इशारे को जब गदा भीम ने मारा वो दुर्योधन जंगा टूट गई ना उठ पाया दोबारा वो अधर्मियों का विनाश हुआ अंत में धर्म ही जीत गया कलयुग का आरंभ हुआ और द्वापर युग भी बीत गया और ये थी महाभारत की कहानी और अब कलयुग में विष्णु भगवान कल्की का अवतार लेकर आएंगे चलो चलो अब सो जाओ गुड नाइट